नमस्कार मैं डॉक्टर आलोक चौहान असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कन्वीनर जोग्राफी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा प्रिय विद्यार्थियों हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वॉलकैनों की कि ज्वालामुखी क्या होता है इससे किस प्रकार के पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी का वितरण किस प्रकार का है अब हम चर्चा करते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाई वॉल्केकैन सिटी ज्वालामुखी से किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं या निर्मित होती हैं ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा पृथ्वी की स्तर पर कई विशिष्ट प्रकार की आकृतियां बनती हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां लावा तथा विखंडित पदार्थ के अनुपात पर आधारित होती हैं मुख्य रूप से इन स्थलाकृतियों को जो ज्वालामुखी से निर्मित हुई हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं बाह्य स्थलाकृतियां यानी एक्सट्रूसिव टोपोग्राफिकल फॉर्म और दूसरा है जो नीचे धसे हुए भाग हैं उनके बारे में डिप्रेस्ड फॉर्म अब जो बाह्यस्थलाकृतियाँ हैं उनके दो भाग हैं ऊंचे उठे भाग एवं नीचा धसा हुआ भाग ऊंचे उठे भाग हैं उसमें शामिल हम कर सकते हैं सिंडर शंकु मिश्रित शंकु परिपोषित शंकु स्पेटर शंकु बेसिप लावा शंकु अमली लावा शंकु गुम्बद तथा टीले लावा सिंडर और राख मैदान और मर्ड फ्लोज अभी हम इनके बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे और उनके चित्र भी हम आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे जो नीचे धसे हुए स्थल भाग हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं उनमें आता है क्रेटर कालडेरा ज्वालामुखी वेंट्स लावा पठार अच्छा दरारी उद्गार से जो शिला निर्मित होती हैं वो हैं लावा मैदान मैसा और बूटी अब जो आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं अभी तक हमने जो बात की थी वो थी जो केंद्रीय उद्गार से ऊंचे उठे भाग कौन कौन से बनते हैं जो सेंट्रल ऑप्शन से ऊंचे उठे, उठे हुए भाग हैं फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं नीचे धसे हुए भागों की अब हम बात कर रहे हैं इंटीरियर टोपोग्राफिक फीचर्स की आंतरिक स्थलाकृतियों की इसमें महत्वपूर्ण है बैथोलिथ लेकोलिथ फैकोलिथ लेपोलिथ सिल और डाइक ये किस प्रकार के हैं कैसे इनका निर्माण होता है इनकी संरचना कैसी होती है हम ये विस्तार से जानेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित जो ऊंचे उठे हुए स्थल रूप हैं उनके बारे में इनमें सबसे पहले आता है शंकु जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट के जो उद्गार से निकले पदार्थ से बनने वाले छोटा उठा हुआ भाग होता है उसे हम शंकु कहते हैं क्योंकि इसके निर्माण में राख की मात्रा अधिक होती है और इस शंकु का निर्माण बहुत तीव्र गति से होता है मिश्रित शंकु है इसका निर्माण लावा की एक परत के बाद दूसरी परत के जमने से होता है और शंकु का ढाल ढाई से चार तक होता है यदि शंकु राख और चट्टान राख और चट्टान चूर्ण का बना है तो अपर्दन की क्रिया शीघ्र होती है अमेरिका का शिस्ता हु तथा जापान का फुजियामा मिश्रित शंकु के ही एग्जाम्पल है अब हम बात करते हैं परिपोषित शंकु जब जो नाल है केंद्रीय उद्गार की उसके कई छोटे छोटे भाग होते हैं कई वेंट्स हो जाते हैं उन वेंट्स के सारे जब कौंस बनते हैं तो उन्हें परिपोषित शंकु कहते हैं और इसका पोषण है वो मुख्य नली द्वारा ही होता है अब हम बात करते हैं स्पेटर शंकु की ये बहुत छोटे शंकु होते हैं जिनका निर्माण केंद्रीय उद्गारों में दरारों के फलस्वरूप विस्तृत लावा की गैसों के बुलबुले फूटने से होता है इस प्रकार ये असमान शंकु बनते हैं इसलिए इन्हें स्पेटर शंकु कहा जाता है लावा के बारे में हमने ज्वालामुखी क्रिया के बारे में जाना था कि जो पैठिक लावा है वो पतला होता है तो इससे मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है अम्ली लावा है वो गाढ़ा होता है इसलिए इससे खड़े ढाल वाले तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है लावा गुंबद का निर्माण कब होता है जब ज्वालामुखी के चारों ओर लावा जमा हो जाता है तो इससे निर्मित गुंबद खड़े ढाल वाले होते हैं उन गुंबदों को हम लावा गुंबद कहते हैं लावा डाट क्या है कि जब जो केंद्रीय जो हमारा उद्भेदन हो रहा है उसकी नाल में ही लावा जम जाता है तो एक तरह से उसके कौ या ढक्कन की तरह डॉट की तरह काम करता है प्लग की तरह काम करता है इसलिए इसे हम लावा डॉट भी कहते हैं इसे ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति गोलाकार होती है अब दूसरा स्थल रूप है लावा और राख द्वारा निर्मित मैदान कई ज्वालामुखी विस्फोट में धूल और चट्टान चूर्ण विस्तृत भाग में बिखर जाता है और इससे बहुत बड़े मैदान का निर्माण होता है इसे राख का मैदान कहा जाता है मड फ्लो इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रारंभिक अवस्था होती है इसमें जो राख ज्वालामुखी उद्गार से निकलती है वो भाप के साथ मिलकर धरातल पर फैलना शुरू कर देती तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कीचड़ का प्रवाह हो रहा है तो इसको हम कहते हैं पंख प्रवाह और पंख प्रवाह की वजह से कई बार नदियों का प्रवाह भी रुक जाता है क्योंकि ये जो बहुत तीव्रता से जो राख प्रवाह होता है या पंख कीचड़ प्रवाह होता है वो नदियों का मार्ग को या रास्ते को रोक देता है कगार या क्रेक जब ज्वालामुखी तेज विस्फोट के साथ होता है तो उससे शंकुओं के भाग तथा पुराने क्रेटर उड़ जाते हैं और अपर्दन के कारण कंदराओं और कगारों का निर्माण हो जाता है ये हम चित्र द्वारा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार सिंडर शंकु का निर्माण हुआ है परिपोषित शंकु में देखिए आप विभिन्न प्रकार की जो पाइप्स हैं वो सेंट्रल पाइप से जुड़ी हुई हैं और उसी से उनका पोषण हो रहा है एक शंकु के ऊपर कई शंकुओं का निर्माण हो रहा है एसिड लावा चूंकि गाढ़ा है तो देखिए बहुत तीव्र ढल वाला शंकु बना है जबकि पैठिक लावा में लावा पतला होने के कारण मंद ढाल वाला शंकु बना है ज्वालामुखी प्लग किस प्रकार से निर्मित होता है और किस प्रकार चट्टानों के बीच में उद्भेदित होता है चित्र द्वारा आप लोग समझ सकते हैं अब हम बात करते हैं डिप्रेस्ट फॉर्म्स ये सब सेंट्रल इरप्शन के ही हैं अभी तक हमने बात की ऊंचे उठे भागों की हम बात कर रहे हैं नीचे दसे भागों की इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रेटर ज्वालामुखी की नली के ऊपर स्थित गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है इसका आकार कीप के समान होता है तथा ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ बढ़ता जाता है इसके भीतरी बाग में टूटे हुए टुकड़ों का जमाव होता है क्रेटर भी दो प्रकार के होते हैं नेस्टेड क्रेटर कब कहा जाता है जब ज्वालामुखी क्रेटर में अनेक छोटे छोटे क्रेटर बन जाते हैं तो उसे घोंसलादार क्रेटर कहते हैं इस प्रकार का जो क्रेटर जब बन गए तो ये माना जाता है कि ज्वालामुखी समाप्त होने वाला है और एक है एडवेंटिव क्रेटर प्राचीन ज्वालामुखी ढालों पर परिपोषित शंकु जैसे हमने बताया था मुख्य केंद्रीय नाल से जुड़ी हुई अन्य नालें जो शंकु के ऊपर शंकु का निर्माण करते हैं परिपोषित शंकु में भी क्रेटर विकसित हो जाता है तो उन्हें आश्रित क्रेटर कहा जाता है चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार घोंसलादार क्रेटर का निर्माण हुआ है अब दरारी उद्गार से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं देखिए इसमें ज्वालामुखी मैदान आपको बताया था कि लावा निकल के बहुत लंबे क्षेत्र पर फैल जाता है तो उससे ज्वालामुखी मैदान बन जाता है लावा पठार जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया पठार है वो लावा के पठार से ही बना हुआ है ज्वालामुखी द्वीप समुद्र तली पर ज्वालामुखी उद्गार से पदार्थ निश्रित होते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते एक द्वीप का रूप ले लेते हैं हवाइन द्वीप एल्यूसिन आइलैंड आदि ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हैं अब हम बात करते हैं कुछ इंट्रूसिव लैंडफॉम्स की हमने बताया कुछ ऊंचे उठे भाग हैं केंद्रीय उद्गार के कुछ नीचे दशे भाग हैं कुछ ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बनती हैं इन स्थलाकृतियों को इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहा जाता है इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बैथोलित आंतरिक सेलों में मैग्मा के विशाल एकत्रण को बैथोलित कहा जाता है ये कई हज़ार किलोमीटर में फैले होते हैं बैथुलित के शीर्ष पर मैग्मा के अतिरिक्त जमाव को स्कंद कहा जाता है दूसरा जो इंट्रेसिव लैंडफॉर्म है वो लेकोलिथ है उसमें धरातल के निकट कुछ गहराई पर ही मैग्मा के गुम्बदाकार एकत्रण को लेकोलिथ कह कहा जाता है और ये बैतुलित्थ की तुलना में छोटे होते हैं फैकोलिथ में अपनति पे जिसको मैं बताया था अभी एंटी क्लाइन के शीर्ष भाग पर जब मैग्मा जमा हो जाता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं और यही जब मैग्मा तस्त्री नुमा जमा हो जाता तो है तो उसे वो लेपोलिथ कहते हैं तो आप देखिए अगर गुमदाकार जमा हुआ है तो लेकोलिथ है अगर तस्त्री नुमा हुआ है तो लेपोलिथ है अगर ये चट्टानों के स्तर हैं उनके साथ साथ क्षतिज रूप से जमा है तो उसे सिल कहते हैं और अगर ये चट्टानों के साथ साथ क्षतिज न होकर उर्ध्वाधर या लंबत जमा हुआ है तो इसको डाइक कहते हैं अब ज्वालामुखी क्रिया के कई गुण रूप में जैसे गीजर है फ्यूमरोल्स है सोलफ तारा है हॉट स्प्रिंग्स है मड फ्लो है आदि भूद्रशालियों का भी निर्माण होता है ये हम चित्र में देख रहे हैं कि बैतोलित आपको बताया था ये तस्त्री नुमा लेपोलिथ है गुमदाकार लेपोलित है सिल है डाइक है ज्वालामुखी प्लग है ये हम इस डायग्राम द्वारा निरूपित कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी पठार की ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा की बहुत मोटी तहें जमा हो जाती हैं जिससे पठारों और मैदानों का निर्माण होता है न्यूजीलैंड मध्य फ्रांस दक्षिण भारत का पठार ब्राज़ील साइबेरिया आदि ऐसे पठारों के उदाहरण हैं कोलंबिया का पठार है वो ज्वालामुखी उद्बोधन द्वारा निर्मित एक बहुत बड़ी स्थला करती है और ये बहुत ही विस्तृत प्रदेश है ऐसा अनुमान है कि यहाँ जो पठार है उसका लगभग एक हज़ार फीट अपर्दन हो गया है पर फिर भी इसकी मोटाई भी दो हजार से 5000 हज़ार फीट तक पाई जाती है पश्चिम दक्कन का पठार या दक्षिण भारत का पठार जो क्रिटेशियस या टर्सरी युग के प्रारंभ में दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में बहुत बड़े पैमाने पर दरारों से लावा उद्गार की क्रिया हुई जिससे इस पठार का निर्माण हुआ तो छोटा नागपुर का पठार है या जो हमारे दक्कन का पठार है उसके विभिन्न भाग हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से ही निर्मित हैं जो अन्य स्थलाकृतियाँ हैं वो हॉट स्प्रिंग्स हैं इसमें क्या होता है कि गर्म जल के सोते हैं स्रोते कह सकते हैं ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाते हैं ये उन सभी प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ अतीत में अंतर्भूमि क्रियाओं का प्रभाव रहा है भूमिगत जल जब गर्म चट्टानों में प्रवेश होकर पुनः स्रोतों के रूप में फूटता है तब स्रोतों का जल बहुत गर्म होता है इस जल में बहुत से खनिज बिघुले होते हैं जिसमें सल्फर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जरूरी नहीं है कि हॉट स्प्रिंग सिर्फ ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी में ही हों ये अन्य क्षेत्रों में भी हो सकते हैं अब इसके बाद अन्य जो स्थलाकृति है वो गीजर है इसमें क्या कई स्थानों पर गर्म जल थोड़े थोड़े अंतराल से फवारे के रूप में निकलता है और फिर बंद हो जाता है तो इसको हम कहते हैं गीजर इसमें थोड़े अंतराल के साथ सोतों में निरंतर गर्म जल का प्रस्फुटन होता है जबकि गीजर में कुछ अंतराल के साथ गर्म जल निकलता है और प्रत्येक गुजर के जो फूटने का है प्रस्फुटन का समय है वो भिन्न भिन्न होता है ये देखिए इसमें बताया गया है कि जो अन्य स्थल रूप हैं वो किस प्रकार के हैं देखिए गीजर से अनवरत जल का प्रभाव हो रहा है तप्त गैसें किस प्रकार से निकल रही हैं और जो सोलभ तारा है जिसमें गंधक निकल रहा है तो इस प्रकार की जो गौण स्थल रूप हैं उनका वर्णन भी हमने किया है इस प्रकार अब हम बात करें तो हमने ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाले स्थल स्थल रूपों या स्थलाकृतियों की चर्चा की है कि केंद्रीय उद्गार से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं केंद्रीय उद्गार में भी ऊंचे उठे भागों से और नीचे धसे भागों से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं दरारी उद्गार से किस प्रकार लावा पठार लावा मैदान का निर्माण होता है जो इंट्रूसिव हमारी स्थलाकृतियाँ हैं बैथुलित उनका किस प्रकार निर्माण होता है इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है धन्यवाद